नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत। मैं हूं मुकुंद, अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर मणिपुर के कुकी आदिवासी बड़ी संख्या में, हजारों संख्या में आके प्रदर्शन किया। ये इनका पिछले एक महीने में चौथा प्रदर्शन था। इस दौरान ये अमित शाह के घर तक प्रदर्शन करने गए थे। इनकी सिर्फ एक मांग है पिछले कई दिनों से, जो राज्य में जो अशांति का माहौल है, जिस तरह से हिंसा का तांडव चल रहा है, उसको रोका जाए। आज इन्होंने 10 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे कैंडल लाइट मार्च और एक तरह की शांति अपील करने के लिए हजारों संख्या में कुकी महिलाएं जुटी थी। खासतौर पर बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी। उनकी एक ही मांग है, जो राज्य में जो भी हिंसा हुई है, जो हिंसा प्रभावित लोग हैं, उनके साथ न्याय हो और किसी भी शर्त पर हिंसा रुकनी चाहिए। और इनका सबसे बड़ा सवाल, राज्य पूरी तरह से विफल रहा है जो हिंसा रोकने में, इसलिए राज्य इंटरवेंशन करे स्टेट के तौर पर और हिंसा किसी भी शर्त पर रोकी जाए। देखिए इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है, इनसे बातचीत में ये लोग क्या कहते हैं, उनकी सरकारों से क्या है मांग। आज जंतर मंतर में जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है जो हमारे कुकी ज़ोमी ट्राइबल ग्रुप से हमने ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। आज का ये कार्यक्रम है टू पे आर रिस्पेक्ट टू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे जो आदिवासी भाई और बहनें हैं मणिपुर में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गवाया है टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, टू प्रोटेक्ट देयर विलेजेस। हम यहाँ पे उपस्थित हुआ है उनको सम्मान देने के लिए। हम ये बताना चाहते हैं कि उनकी जान उन्होंने जो गवाई है, इट विल नॉट गो इन वेन। देखिए कंडीशन अभी भी ख़राब है, लेकिन पहले से थोड़ा अभी किलिंग्स कम हुई है। बट फिलहाल में कल ही एक बुज़ुर्ग जो 70-75 की थी, उन्हें चर्च के अंदर गोली मार दी गई और वहाँ के 3 विलेजर्स घायल हुए और मारे गए। तो ऐसी स्थिति अभी भी है कि कभी सोचा था कि भी शांति होगी, उस शांति के बाद अचानक दोबारा किलिंग हो रही है। तो इसी वजह से महीने के ऊपर हो गया, बीत गए, तो यहाँ की औरतों ने एक प्रोग्राम किया है कि यहाँ पे लोग आए अपनी श्रद्धांजलि दें। तो यहाँ पर जो लोग जितने भी जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी आत्माओं की शांति के लिए, सब प्रार्थना के लिए हम सब यहाँ आए हैं। मैसेज ये है कि एवरीबॉडी वांट्स टू हैव पीस, देयर इज ओनली वन थिंग, बोथ द कम्युनिटी कम टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लाइक यू हैव सीन हियर, दोज पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, टुडे वी आर हियर टू पे होमेज टू देम, टू प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल, दैट्स ऑल वी कैन डू। अभी भी अटैक हो रहा है हमारे विलेजेस के ऊपर, हमारे ट्राइबल विलेज वॉलंटियर्स के ऊपर अभी भी अटैक हो रहा है। तो ये बंद होना चाहिए, हमें शांति चाहिए, हम किसी को अटैक नहीं करते हैं, तो ये बोलना चाहती हूँ मैं। देखिए शांति तो पूरी तरह स्थापित नहीं हुई, जब तक ये आर्म्स जितने भी लूटे गए थे इम्फाल से, जब तक ये सरेंडर नहीं करते और किसी के पास भी हथियार नहीं होता, तो वहाँ पर शांति की बात हो सकती है। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4000 में से 200-300 की हथियार लेने के बावजूद भी अभी भी हिंसा हो रही है, अभी भी हर जगह वायलेंस हो रहा है। नो इंटरनेट फ्रॉम 3 मई एंड देन इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर चुराचांदपुर 22 डेज देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी। And now I've heard that in some part they got only 1 hour, 2 hour, that is the halat. No internet for over a month, and now electricity is begin to start having a problem. Yes, and also there is no connection between Imphal airport to different parts of the district. It's not safe. Vehicle, public transportation are not there. Only if you want to stay within Imphal Valley, fine. If not, the rest of the district, I don't think it is safe to travel. That's the halat right now. State government तो जब से हमारा ये जो शुरू हुआ है, तब से वो वही है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमला हो रहा है वो दिन ब दिन जो बढ़ता रहा है, इसका कारण है कि स्टेट सरकार ने, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है ना इसके वजह से। Yes, it is worse than Corona time, because in Corona we have time to even prepare. We you know, hospitals were open, central government was helping everyone, state government was helping everyone, international help. But in this, there is none. Only people who lost their life, who's homeless, everyone is in a chaotic situation. There is no solution right now. Like I said, there is no help. Till now, whatsoever it may be, yes. People are staying in schools, colleges together, thousands without home, they're displaced. And somehow, I don't know how they are cooking food together. Maybe some volunteers are helping. The halat is really bad over there. जो स्टेट गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो उन्हीं के हाथ में है, होम पोर्टफोलियो भी उन्हीं के हाथ में है। एज अ चीफ मिनिस्टर, जब ये घटनाएं शुरू हुई थी, शुरू के वक्त अगर इसको बंद किया जाता तो ये घटना अभी इतनी लंबी दौर नहीं चलता। लेकिन एक महीने के ऊपर हो गया, अभी तक किलिंग हो रही है, अभी तक स्टेट कमांडोज को यूज़ किया जा रहा है और लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये जब तक हम, तभी लोग यहाँ क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल इसलिए लाओ कहते हैं कि सरकार जो है, सेंटर सरकार जो है, वो आके
स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को पूरी कंट्रोल करे, ताकि स्टेट फोर्सेस ना हो और सेंट्रल की फोर्सेस हो, ताकि अमन और शांति का जो पर्पस है वो सर्व हो सके. The state government have failed miserably. That's what I feel. Otherwise, one over a month, how can it continue? If the state government want to stop, I think they can stop it. I believe the central government role in a larger scale is required, because you and I can say that over a month the situation has not improved. In fact, after Home Minister Amit Shahji visit, appealing both the group to maintain normalcy, even after the six people were shot, even day before yesterday, three people lost their lives. So together, over like it's like 10 people have lost their life, and villages still continue to burn down. So I think if the center and the state government really want to stop this, they can.